सरस्वती चंद्र, धारावाहिक गुजराती साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार गोवर्धन राम त्रिपाठी की अमरकृति सरस्वती चंद्र पर आधारित है। उपन्यास में लेखक ने वास्तविक प्रेम के स्वरूप को चित्रित किया है। प्रेम करने वालों के बीच एक दूसरे को पाने की बजाय एक दूसरे को सुख प्रदान करने की भावना को दर्शाया है। उपन्यास में टूटती मान्यताओं, संबंधों के बदलते स्वरूप, सामाजिक एवं मानवीय बुराइयों के साथ मानवीय मूल्यों की स्थापना, सच्ची मित्रता और आदर्श पतिव्रता स्त्री की भावनाओं को मार्मिक ढंग से उकेरा गया है। धारावाहिक का मकसद आज की युवा पीढ़ी को सच्चे प्रेम की परिभाषा से परिचित कराना है। उपन्यास का रचनाकाल भले ही 100 वर्ष पुराना है, लेकिन रचना वर्तमान समय में भी प्रासंगिक और सार्थक है। तो आइए सुनते हैं धारावाहिक सरस्वती चंद्र की पहली कड़ी। बेटा, बेटा सरस्वती, सरस्वती चंद्र। हाँ माँ। आया माँ। हाँ माँ, कहो क्या बात है? बेटा, तुम्हारे पिताजी तो अभी तक नहीं आए। मुझे चिंता होने लगी है बेटा। आते ही होंगे माँ, व्यवसाय के किसी काम में व्यस्त हो गए होंगे। शायद शायद तुम्हारे पिताजी आए होंगे बेटा। जा जाकर दरवाजा तो खोलो। अभी खोलता हूँ माँ, अभी जाकर खोलता हूँ। चंद्रलक्ष्मी, चंद्रलक्ष्मी आ गया। इतनी देर कहाँ लगा दी? कुछ ना पूछो चंद्रलक्ष्मी। दिल्ली से कुछ व्यापारी आए हुए थे, बस उन्हीं के साथ व्यापार पर गंभीर चर्चा चल निकली। पिताजी, दिल्ली के व्यापारियों से हुई बातचीत में कोई निष्कर्ष निकला? हाँ बेटा, अभी तो नहीं निकल सका। कल पुनः उनसे बातचीत होगी, तभी देखो कोई स्पष्ट निष्कर्ष निकल सकेगा। पिताजी, आप मुझे व्यवसाय का प्रशिक्षण देना शुरू कर दीजिए। आप अकेले श्रम करते हुए थक जाते होंगे ना? मेरी यही इच्छा है कि मैं व्यापार में आपका सहयोग करूं। अरे सरस्वती, तुम्हारी इच्छा तो बहुत ही नेक है बेटा। अंततः तुम्हें ही सारा व्यापार संभालना है, लेकिन पहले तुम अपनी शिक्षा पूरी कर लो। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब चलिए, खाना खा लीजिए आप। अरे हाँ ठीक है, चलो चंद्रलक्ष्मी। चलिए। हाँ तो तुम्हारा क्या निर्णय है विद्याधर? मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में तुम्हारा व्यापारिक संबंध सिर्फ और सिर्फ मुझसे रहे। मैं आपको दोगुना लाभ दूंगा। सुनो विद्याधर, तुम्हारी चतुराई मैं भली भांति समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जाल में उलझने वाला नहीं हूँ। तो फिर हमारे बीच व्यापारिक मित्रता की शुरुआत नहीं हो सकती? ठीक है, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है सरस्वती चंद्र, आजकल दिखाई नहीं पड़ते हो। परीक्षाएं निकट आ रही हैं ना चंद्र, इस वजह से पढ़ाई में ही अधिक समय व्यतीत हो जाता है। और फिर माँ का स्वास्थ्य भी आजकल ठीक नहीं रहता। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? एक सप्ताह हो गया ज्वर हुए, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। सरस्वती, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ,
आजकल ज्वर से अनेक लोग बीमार हो रहे हैं। पिताजी ने मुंबई के कई अच्छे डॉक्टरों से माँ का इलाज करवाया है चंद्र, पर किसी डॉक्टर की दवा का कोई असर ही नहीं हो रहा। हाँ, ये तो सचमुच बहुत ही गंभीर बात है। अच्छा मित्र, फिर मिलेंगे। हाँ हाँ, ठीक है मित्र। अब रहने दे बहू, तेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जा जाकर आराम कर। नहीं नहीं सासू माँ, आपके पैर में दर्द हो रहा है, लाइए मैं दबा देती हूँ। बहू, तेरी सेवा भावना देखकर तो ईश्वर भी मुग्ध हो जाता होगा। सचमुच कितने सुंदर संस्कार हैं तेरे भीतर। मेरे माता पिता ने तो मुझे जन्म जरूर दिया है सासू माँ, उनके स्नेह की छाया से भी मैं कभी वंचित नहीं रही। लेकिन किंतु जितना स्नेह इस घर में आपसे मुझे मिला है, जीवन में आज तक किसी से नहीं मिला माँ, किसी से नहीं मिला। जब से तू इस घर में ब्याह कर आई है, तूने तो इस घर को स्वर्ग बना दिया है बहू। स्वर्ग स्वर्ग तो पति और सास ससुर के चरणों में ही होता है सासू माँ। सच बहू, तेरे जैसे सुंदर विचार सभी के हो जाएं तो पृथ्वी पर दुख और कष्ट के लिए कोई स्थान ही ना रहे। कष्टों में ही सुख की सुंदरता प्रकट होती है सासू माँ। तू ठीक कहती है बहू। अच्छा अब बस कर, मेरे पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। अब देख, तू जाकर आराम कर ले, और सुन, दवाई समय पर ले लेना, कोताही मत बरतना, समझी? ठीक है ठीक है सासू माँ। हाँ जा बेटी, जाती हूँ। पंद्रह दिन हो गए, माँ का ज्वर बढ़ता ही जा रहा है। माँ कितनी कमजोर हो गई है, अब तो उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता। आंखों के नीचे गड्ढे से पड़ गए हैं, ऐसा लगता है सरस्वती चंद्र, सरस्वती बेटा, सरस्वती। आता हूँ। बोलो माँ। बेटा बहुत बहुत जोरों से प्यास लगी है बेटा, एक गिलास पानी पिला दे। अभी पिलाता हूँ माँ, अभी लाता हूँ। लो माँ, ये लो पानी पी लो। लाओ बेटा पानी दो। पी लो माँ, पी लो। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया बेटा। नहीं माँ, ऐसा मत कहो माँ, आप स्वस्थ हो जाएंगी माँ, ऐसा मत कहो। बस बेटा, अब मेरे चलने का समय आ गया बेटा। चलने के बाद अपने पिताजी की बात मान।
मन लगाना मेरे सपनों को पूरा करना नहीं बचूंगी ठीक है ना? अरे बोल ना बेटा। दादी, माँ हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। क्या? क्या? ईश्वर। ये क्या लक्ष्मी के मरने के बाद तो ये घर काट खाने को दौड़ता है माँ। ठीक कहता है बेटा तू। ऐसा लगता है इस घर में भूतों ने डेरा जमा लिया है। कितना इलाज कराया उसका पानी की तरह पैसा बहाने पर भी माँ मैं उसे बचा नहीं सका। सबर रख बेटा, सबर रख। ईश्वर की इच्छा के आगे हम सब विवश हैं बेटा। माँ, मुझे तो सरस्वती चंद्र की चिंता हो रही है। कैसे होगी उसकी परवरिश? कौन करेगा आपकी देखभाल? देख बेटा, सरस्वती चंद्र मेरा पोता है। तू देखना, मैं उसे कभी माँ का अभाव महसूस नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी बेटा। हाँ माँ, चंद्रलक्ष्मी की कल 13वीं है ना। प्रतिष्ठान के कर्मचारियों ने कल अलग से चंद्रलक्ष्मी के निधन पर शोक सभा आयोजित की है। ओह, तब तो तू भी जाएगा ना बेटा उस शोक सभा में? हाँ माँ। अच्छा बेटे, थक गया होगा, थोड़ी देर आराम कर ले। वैसे भी कल 13वीं पर तो तुझे क्षण भर की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। मेरा आराम तो चंद्रलक्ष्मी अपने साथ ले गई माँ। बेटा, अब तो आराम की तलाश में सारी जिंदगी भटकना है मुझे, सारी जिंदगी भटकना है माँ। सबर कर बेटा, सबर कर। तुम्हारी माँ की मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे मुझे बहुत दुख हुआ सरस्वती। सच सच मुझे बहुत दुख हुआ। चंद्र, मेरा तो सर्वस्व समाप्त हो गया। ऐसा लगता है इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ मित्र। माँ के अभाव का दारुण दुख इंसान को अंतर मन से तोड़ देता है। लेकिन लेकिन तुम्हें टूटना नहीं है सरस्वती, तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें मजबूत बनना है, इस दुख से निकलकर आगे बढ़ना है सरस्वती। जब कोई अपना सांत्वना देता है तो सचमुच बड़ी राहत मिलती है चंद्र। लेकिन जो घाव मेरे हृदय पर हुआ है वो कभी नहीं भर सकता, कभी नहीं भर सकता। सरस्वती,
समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है, और फिर तुम ये क्यों भूल रहे हो कि जिसने जन्म लिया है उसे तो मरना भी होता है। यही तो जीवन का वास्तविक सत्य है। मैं इस सत्य से अनभिज्ञ नहीं हूं चंद्र। मैं जानता हूं कि जो जन्मता है उसकी मृत्यु भी होती है। लेकिन मेरी माँ की तो अकाल मृत्यु हुई है। हाँ सरस्वती, उनकी मृत्यु की आयु अभी थोड़ी ही हुई थी। भगवान ने सचमुच तुम्हारे साथ बहुत ही निष्ठुर व्यवहार किया है सरस्वती। लेकिन तुम्हें निराशावादी नहीं बनना चाहिए सरस्वती। चंद्र, वर्तमान में मेरे दुख ने मुझे घोर निराशा के दौर में पहुंचा दिया है। हर तरफ मुझे अंधेरा ही नजर आ रहा है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि निराशा को त्याग कर आशा का दामन थाम लो। देखना ये जिंदगी तुम्हें फिर से सुंदर दिखाई देने लगेगी सरस्वती। माँ के ना रहने से मुझे अपनी जिंदगी से कोई मोह नहीं रह गया है चंद्र। कोई मोह नहीं रह गया है। इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं मित्र, जब उसे अपने जीवन से मोह नहीं रह जाता। ऐसे समय में मित्र का काम उसे समझाना और सहयोग देना होता है। तुम्हारी मित्रता पर मुझे गर्व है चंद्रकांत। हाँ। तुम मित्र होने के अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हो। तुम्हारी इस भावना का मैं सम्मान करता हूँ। सरस्वती, अगर तुम्हें अपने मित्र पर गर्व है और तुम मित्र की भावना का सम्मान करते हो तो तुम्हें मित्र की बात भी मान लेनी चाहिए सरस्वती। मैंने तो हमेशा तुम्हारी बात मानी है चंद्र। कभी ऐसा अवसर नहीं आया जब मैंने तुम्हारी बात मानने से इनकार किया हो। हाँ, ये तो तुमने सत्य कहा सरस्वती चंद्र, कि तुमने आज तक मेरा कहा नहीं टाला। ये तुम्हारी सच्ची मित्रता का प्रमाण है। लेकिन आज ये विपरीत आचरण क्यों कर रहे हो मित्र? विपरीत आचरण? मैं कहाँ विपरीत आचरण कर रहा हूँ चंद्र। तो मैं समझ लूँ कि तुम निराशावादी नहीं बनोगे, नए उत्साह का संचार करके कर्म के पथ पर चलोगे, जीवन में आगे बढ़ोगे। मैं अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करूंगा चंद्र। अगर प्रयत्न करोगे तो कोई कारण नहीं कि सफलता तुम्हारे कदम ना चूमे। चलो मित्र, अब बहुत देर हो गई है, अब घर चलते हैं। आओ आओ मित्र। चलो। सरस्वती, सरस्वती बेटा, सरस्वती चंद्र। जी पिताजी। बेटा, तुम्हारी दादी कह रही थी कि तुम हमेशा अपने आप में खोए खोए से रहते हो, क्या बात है बेटा? नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। दादी को जरूर भ्रम हुआ होगा। सरस्वती, तुम्हारी दादी तुम्हारे पिता की भी माँ है, उसकी अनुभवी आंखों को भला भ्रम कैसे हो सकता है? एक बात सच कहूं पिताजी? झूठ बोलने की तो मैंने तुम्हें तालीम ही नहीं दी बेटा। सच सच कहो, क्या बात है? माँ की बहुत याद आती है पिताजी। सरस्वती, सरस्वती बेटा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। इस उम्र में बेटे को माँ की बहुत आवश्यकता होती है। बेटा, सरस्वती तुम ऐसा करो, कुछ दिन शहर से बाहर घूमाओ, इससे तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और तुम्हारी उदासी भी दूर हो जाएगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं पिताजी, मैं प्रसन्न रहने की कोशिश करूँगा। बेटा, ये तो तुम बहुत ही अच्छा करोगे। देखो सरस्वती, जो इंसान जा चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। बेटा, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम इस सदमे से उबर कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जी। अच्छा बेटा, ये तो बताओ कि
तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? माँ के जाने के बाद से पढ़ाई पर खास ध्यान नहीं दे सका हूँ पिताजी, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब इस और विशेष ध्यान देना फिर शुरू कर दूंगा। सरस्वती, देखो बेटा, पढ़ाई का जिंदगी में अहम स्थान होता है जी। पढ़ाई लिखाई से इंसान अपने जीवन को संवार सकता है, समाज और देश की सेवा करने में सक्षम बन सकता है, इसलिए पढ़ाई की तरफ ध्यान दो सरस्वती। जी पिताजी, आपकी कही इन बातों को मैं हमेशा याद रखूंगा, हमेशा याद रखूंगा पिताजी। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। सरस्वती चंद्र को मां की कमी का एहसास हमेशा सताता रहता है। पहले सरस्वती के चेहरे पर हमेशा फूलों सी मुस्कान नृत्य करती रहती थी, लेकिन अब उसका चेहरा उदासी के घने बादलों में घिरा रहता है। चंद्र लक्ष्मी आज होती तो उसकी ऐसी स्थिति कभी नहीं होती। अब मैं क्या करूं? मेरे कई परिचित मुझ पर दूसरा विवाह करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। दूसरा विवाह करने से सरस्वती चंद्र को नई मां मिल जाएगी, लेकिन क्या सरस्वती चंद्र मेरी दूसरी पत्नी को अपनी मां के रूप में वही सम्मान दे सकेगा? शायद हाँ, नहीं। क्या मेरी दूसरी ब्याहदा सरस्वती चंद्र को अपना सगा पुत्र सा स्नेह दे सकेगी? ओह, इसमें भी संशय की स्थिति है। कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं क्या ना करूं। एक मन कहता है कि दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, तो दूसरा मन रोकने लगता है। हाँ, सरस्वती चंद्र को मां की जरूरत है। रिश्ते भी आने लगे हैं, कोई अच्छा रिश्ता है तो ठीक रहेगा। चलो देखते हैं। लक्ष्मी नंदन बेटा, लक्ष्मी नंदन बेटा, क्या सोच रहे हो? ओह माँ, तुम खड़ी क्यों हो माँ? हाँ? बैठ जाओ। तू चौंक क्यों गया बेटे, क्या सोच रहा था? बैठो तो सही माँ, सब बता था। ले बैठ गई, अब बता क्या बताना चाहता है तू? माँ, माँ वो सरस्वती चंद्र की उदासी मुझसे अब देखी नहीं जाती। हाँ बेटा, उसकी उदासी से दुख तो मुझे भी होता है बेटा, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। तू चिंता ना कर बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चिंता? हाँ माँ, अब चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हा? मैंने इसकी व्यवस्था सोच ली है। हा? व्यवस्था सोच ली है? कैसी व्यवस्था सोची है बेटा, जरा मैं भी तो सुनूं। वो माँ, सरस्वती चंद्र के लिए मैं इस घर में एक नई माँ लाना चाहता हूँ। क्या? नहीं माँ, क्या कह रहा है बेटा? अभी आप सुन रहे थे गुजराती साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार
गोवर्धन राम त्रिपाठी की प्रसिद्ध पुस्तक सरस्वती चंद्र पर आधारित रेडियो धारावाहिक सरस्वती चंद्र की पहली कड़ी। निर्देशिका थी सीमा शारदा, रेडियो रूपांतरकार सुधांशु गुप्ता, ध्वनि मुद्रण जसवंत सिंह। भाग लेने वाले कलाकार थे केदारनाथ, राजेश कंबोज, वीपी कालरा, मनोज भटनागर, दिनेश वर्मा, ललित, लोकेश, नीरज शर्मा, अमिताभ वर्मा, तहसीन, रजनीश कुमार शर्मा, मंजू मैनी, गीता वर्मा, सरिता भाटिया, सादिया, दीपा रॉय और हर्ष बाला।